अज की रैसपी दे विच आपां बनावांगे गोभी दा अचार। सो वीडियो नूं एंड तक जरूर देखियो, बहुत ही आसान है गोभी दा अचार बनाउणा। वीडियो एंड तक जरूर देखियो जी, धन्यवाद। सत्या जी सारियां नूं, मैं गुरप्रीत ते तुसीं देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल देसी शैफ माला। तो अज की वीडियो बनावांगे जी आपां गोभी दा अचार। तो उहदे वास्ते मैं गोभी लई है, तकरीबन 1 किलो गोभी है। तो मैं जिहड़े जार च इहनूं पाउणा है वह भी दी क्वांटिटी भी 1 किलो ही, इस करके मैं 1 किलो ही गोभी दा अचार पाऊँगा। तो हो सकता अगर किसी होर वीडियो मैं थोड़ा दिखावा भी जिहड़ा अचार ज़्यादा क्वांटिटी पाऊँगे, या किसी होर दा अचार जिदा कि गाजर मूली या फिर हरी मिर्च का अचार जो पावे ज़्यादा क्वांटिटी पावे। लो जी करते हैं फिर वीडियो शुरू। तो उहदे वास्ते मैं गोभी लई है, तो पहला गोभी नूं आपां कट लेंगे। तो तुहानू पता ही मेरे कट्टण दा तरीका, मैं बिल्कुल इदा ही कट लैंदा। तो जिहड़े मतलब ज़्यादा वड्डे पीस होंगे, जिदा ये वड्डा पीस ज़्यादा वड्डा है, तो इहनूं मैं 2 हिस्से कर लूँगा। तो एक भाई जी होर कई भीर कमेंट करते हैं कि तुम सब्जियां या कुछ भी समान यूज करते हो धो के नहीं बनाते, इदा ही बनाते। तो भीर जी जिन्ना भी समान आप बनाते हैं वह धो के फ्रैश करके बनाते हैं, क्योंकि अगर मैं वह सारिया चीज़ा वीडियो में दिखाऊँगा तो तकरीबन 25 से 30 मिनट की वीडियो बनूगी। तो फिर भीर कमेंट करते हैं कि भाई थोड़ी वीडियो बहुत बड़ी होंगी है, इस करके मैं पहले ही इन्हों धो के चंगी तरह फिर मैं इतने अपने किचन च रखदा, तो उस तो बाद वीडियो बनानी शुरू करदा। तो चलो अपन तोड़ते हैं इन्हों। तो इस तरीके भाई अपने कट लेनी, तो जोड़ा आह साइज़ है बिल्कुल प्रॉपर साइज़ है। तो हूँ जे आह साइज़ है तो अपन बड़ा है, इनू बिच तो सेंटर तो आप कट लेंगे। तो मैं थोड़ा दिखाता अगे, तो उस तो पहला मैं जोड़ा अपना गोभी है वह सारी चंगी तरह कट लेना। तो लो जी मैं कट लिया, तो हूँ आप इधर कट देंगे। तो एक जोड़ा ज़्यादा जोड़ा डंडल होगा बड़ा वो अपना कट देना, तो इनू सेंटर तो कट देना, तो 2 नॉर्मल पीस बन जाने ये जिने भी बड़े हो कट लेने गब्बे तो छोटे पीस कर देने। अगर कोई ज़्यादा बड़ा लगता तो उन्हें भी कट के नॉर्मल साइज से ले आना। क्योंकि अगर ज़्यादा मोटा होगा अपना मिक्सचर तो फिर वो बढ़िया नहीं बनना ज़्यादा, तो उन्हें मतलब बनने से टाइम लग जाना, क्योंकि नहीं तकरीबन 10 दिन जो अचार है वो बन के रेडी हो जाता। तो अगर ये ज़्यादा बड़े रहेंगे फिर जो अचार है वह थोड़ा जहा टाइम लगेगा बनने, सो इस करके अपना जो पीस है छोटे कर देने। ये आप बिल्कुल नॉर्मल ही है, इनू मैं इदा ही पा दूंगा। तो जोड़े नॉर्मल है छोटे पीस वह तो मैं इदा ही रख देने। अगर जो बड़े पीस ज़्यादा है जिदा आह पीस है इन्हों पर दो पीस कर देने। तो इस तरह भाई जिनी भी अपनी गोभी आ मैं हूँ सारी दे पीस छोटे करके ये पा देना। तो लो जी ये मैं कट के पीस छोटे कर ले, तुम देख भी रहे हो छोटे पीस हैं। तो हूँ मैं ये पा दूंगा जी पानी। पानी अपने पाना कि यह पानी के बिल्कुल जोड़े डुब जा, देख लो तकरीबन यह 1 लीटर पानी है, ये चंगी तरह डुब गए हैं। तो ये आप पावे तकरीबन 2 चम्मच लून दे यानी कि नमक, तो इन्हें मैं हिला दूंगा। तो लो जी मैं जोड़ा नून आ
ये घोलता मिक्स करता तो हूँ तकरीबन इनू मैं 20 तो 25 मिनट रखूँगा पानी दे विच। ते नूण पाउण दा ये फायदा है कि जिहड़ी इहदे विच गंदगी होगी कुछ भी वह नूण वाले पानी नाल जिहड़ी साफ़ हो जूगी। तो फिर इहदा पानी है जिहड़ा आपां कढ दांगे तो फिर इहनू सुकावांगे तो दिखाउंदे आ तुहानू अगे। तो मैं रखदा हजे इहनू पानी नू कि जिहड़ी दी गंदगी उह निकल जावे तो फिर तुहानू दिखाउंदे अगे। तो लो जी 20 मिनट हो चुके हैं तो हुण इहदा पानी है जिहड़ा मैं हुण ड्रेन कर दूंगा। तो 2-3 बार इहनू चंगी तरह साफ पानी नाल धो के जिहड़ा दा पानी नमक दा पानी टेस्ट आ उह निकल जावे। तो फिर इहनू मैं धुप्पां सुकाऊंगा तकरीबन 1 तो 1.5 घंटा बिल्कुल ड्राई करना, चंगी तरह ड्राई करना। अगर इहदे विच पानी रहिंदा है तां फिर जिहड़ा आपणा अचार आ उह बहुता टाइम नहीं चलूगा, थोड़े टाइम बाद मतलब वह खराब हो जूगा। तो इहनू इहने चंगी तरह सुकाउणा कि इहदा पानी आ जिहड़ा बिल्कुल निकल जावे, ऐ चंगी तरह जिहड़ा ड्राई हो जावे। तो हुण मैं इहदा पानी कढ दिंदा तो इहनू चंगी तरह 2-3 बार वॉश कर लैंदा। तो लओ जी मैं इहनू चंगी तरह धो लिया, तो हुण इहनू मैं बाहर धुप्पां सुकणे वास्ते रखूँगा। तो जो तक यह ड्राई नहीं हो जाती बिल्कुल इहदा पानी आ जिहड़ा सुक नहीं जाता उन्ना चिर आपां इहनू धुप्प 'च सुकावांगे। तो उहदे नाल इह आ कि अपना जिहड़ा अचार उह जल्दी खराब नहीं होगा। तो हुण मैं इहनू रख दिंदा धुप्पां 'च तो दिखाउंदे तुहानू अगे। मैं गोभी है जिहड़ी चंगी तरह सुका ली है, तकरीबन 2 घंटे मैं ये धुप्प दे विच सुकाई आ, ये कपड़े दे पा के इहनू सुकना रखदा। 2 घंटे हो गए तो ये बिल्कुल ड्राई होगी, हुण इहदा पानी जिहड़ा बिल्कुल खत्म हो गया। हुण आपां इहनू पा लांगे एक भांडे दे विच, ते इहदे विच पावांगे आपां 2 बड़े चमच लाल मिर्च दे, ते अजवाइन पाउडर पावांगे आपां 2 चमचे बड़े, ते 2 चमचे नमक दे, ते 2 चमचे हल्दी, सब ये पा लेंगे। फिर ये पावे अपना 1 कप दे तकरीबन 1 कप का सरों का तेल, ते हुण इहनू चंगी तरह आपां मिक्स कर लेंगे। तो इनू आप चंगी तरह मिक्स कर लेना, जो मसाले आप पाए हैं वो गोभी के नाल चंगी तरह लग जाए। तो इस गल का आप हमेशा ध्यान रखना कि जो भी आप गोभी का अचार कोई भी पाँदे या गोभी का या मिर्च का तो उन्होंने जब धोने तो बाद सुकाना जरूर है धुप्पा के जो चंगी तरह सुक जाए, तो जो अपना अचार वो लंबे टाइम तक चलता रहेगा, नहीं तो छेती जो खराब हो जाएगा अगर वो पानी की मात्रा हो। तो लो जी अपना अचार बन के रेडी आ, तो हूँ मैं इनू एक डब्बे पा दा, तो हूँ रेडी है जी। तो इनू आप पा लेंगे डब्बे, मेरे को डब्बा है यह डब्बे पा लेंगे। तो आप इनू पा के तकरीबन 10 दिन धुप्पा के बाहर 1 घंटा रखना है, तो इनू हिलाते रहना है। तो वह क्या है कि अपना जोड़ा अचार छेती बन के तैयार होगा 1 घंटा हर रोज़ धुप्पा के डब्बे आप हिलाते रहना कि जोड़ा अचार आ वह उल्टा पुलटा हो जाए, यानी कि उपर थले हों रहे जो चंकी तरीके जो बन के तैयार हो जाए। तो फिर उन्होंने भी मैं इनू पाँगा डब्बे च, तो लो जी मैं इनू हूँ एक डब्बे पा लिया। तो यदा ढक्कन पै चंकी तरह के ला लेंगे, तो इनू इदा शेक कर देना अपने जो भी धुप्पा च रखना है। तो वह क्या है कि जोड़ा अचार अपना उपर थले हो जूगा, तो जड़ा चंगी तरह वो बन के तैयार हो जूगा। तो इनू 1 घंटा हर रोज़ धुप्प दे विच रखना जी, तो हफ्ते दे विच जिहड़ा बन के रेडी हो जूगा। तो अचार अपना रेडी है जी। तो अज की वीडियो मेरी इत्थे तक, मिलते जी किसी अगली वीडियो किसी होर रेसिपी के नाल। तक तक लई सत श्री अकाल जी सारिआं नूं।